आई थिंक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैव कंप्लेंट ऑफ रिगार्डिंग द माउथ ब्रीदिंग. इनको क्या है, माउथ ब्रीदिंग होता था, नेजल ब्लॉकेज रहता था, एंड बच्चे को बहुत बार रिकरेंट ऑफ एंड ऑन ईयर में भी पेन रहता था. तो ये बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे समाज में बच्चों को होती है. एंड बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स की जो है वो अवेयरनेस और वो नहीं होती, वो नॉर्मली मान के और उसको दरकिनार कर देते हैं. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी के बच्चे को 4 साल से अबव अगर उसको माउथ ब्रीदिंग होती है, रात को मुंह खोल के बच्चा सोता है, ठस 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 आवाज करता है, बार बार आंख जो है वो खोलता है, जागता है, ठीक है ना, तो उसको तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. क्योंकि 99% बच्चों को बहुत बार नाक के पीछे एडिनोइड का एक मास होता है, टॉन्सिल होता है, ये दोनों चीजें मिलके और हमारे सांस के रास्ते को ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे बच्चे का क्या है कि दिमाग को पूरा ऑक्सीजन नहीं जाता और बार बार उसकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती, बार बार वो आंख खोलता है और मुंह से सांस लेने के कारण हमारी जो दंत पंक्ति है, डेंटल स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो जाती है. बहुत बार जो है बच्चा का जो है कान और नाक के बीच की नली को भी ब्लॉक कर लेता है, जिससे कान में दर्द होना, सुनाई कम होना, यस. और बहुत बार आपने देखा होगा गांव में बच्चों के कान बहने लग जाते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है. तो डॉक्टर की उचित सलाह के अनुसार अगर डॉक्टर कहता है कि इसमें दवाई का काम है तो दवाई देनी चाहिए. डॉक्टर कहता है एक्सरे कराया, जो भी जांच कराया, हमें लगता है कि ये तो मास ज्यादा है, उम्र हमारी ज्यादा हो गई है, इसका इलाज सर्जरी है, तो उसकी सर्जरी करानी चाहिए. सर्जरी के लिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए. जैसे ये बहुत छोटा बच्चा है, कल हमने इसकी सर्जरी की थी, आज बिल्कुल बढ़िया है, आज इसको हम छुट्टी कर देंगे. सर्जरी बिकॉज ये सारी एंडोस्कोपिक होता है, दूरबीन के माध्यम से होता है. क्योंकि हमारे को पेरेंट्स को एक ही चिंता होती है कि कहीं बाहर से कोई चीज आया, ऐसा कुछ होगा, तो वो नहीं होता. द थिंग्स आर एंडोस्कोपिक, सो बिल्कुल भी नहीं घबराएं. क्योंकि अगर घबरा के उस चीज का इलाज नहीं कराएंगे तो हमें बहुत सारे दुष्परिणाम है जो बच्चे को बाद में झेलने पड़ते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमारे साथ जो हमारे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, मैं बच्चे का दादा लगता हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम जेनी एंटी में इसको दिखाया था. रीचेकिंग के लिए मैं यहाँ पे आया, तो रीचेकिंग में मुझे इसको दोबारा से डॉक्टर साहब की सलाह के अनुसार मैंने यहाँ पे इनको ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया अपने परिवार से. उसके बाद में मैं यहाँ पर 2-3 दिन की दवाई के लिए बोला था, 2-4 दिन के लिए, लेकिन वो रिलैक्सेशन पूरा नहीं होने के कारण मैंने अपना डिसीजन ऑपरेशन के लिए फाइनल किया. और कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो गया था. डिले करने के बाद कल इनका ऑपरेट किया गया. ऑपरेट करने के बाद मुझे डॉक्टर साहब ने, मतलब मैं डॉक्टर साहब के शब्दों से बहुत ही गिदगिद हूँ, कि जैसे मतलब कहता कि खुश हूँ. और यहाँ के स्टाफ से और डॉक्टर साहब से विशेष करके मैं मतलब यहाँ खुश हूँ. अच्छा सर, एक चीज बताओ, देखो अभी भी क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या है अपने ऐसे है ना गाँव में, और जैसे हम देखते हैं क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में रहते हैं, आप इतने सारे लोगों के टच में आते हो, बहुत सारे लोगों के बच्चों को अभी भी ये प्रॉब्लम है और वो डर के मारे इलाज नहीं कराते. तो क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए? मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भाई ने कल बोला था कि हमारा एक नवासा है वो जयपुर में रहता है, उसको भी आज वो 10 साल का है, लेकिन उसको भी दिक्कत है. कल मेरे को जब मैंने फर्स्ट टाइम उसके बारे में बताया था तो उन्होंने ये कहा था कि यार उसको भी दिक्कत है, अपने वंशों को भी दिक्कत है, तो उसको भी दिखाएंगे हम लोग. अच्छा, हाँ. तो फिर मैंने उनको कहा, उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी ने कहा कि उसको मतलब एंटीबायोटिक से कुछ सुधार है. तो अभी वो मैं समझता हूँ कि वो सुधार नहीं होगा. मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब वो बच्चे को आपको एक बार चेक कराए और जो भी डिसीजन आप देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो उसको करवाएं. सो सर का इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, जैसे सर ने आके इलाज, एंड पहले अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो. यस, जहां पे सारी साधन सुविधाएं, चाहे जयपुर दूरबीन करें चाहे कहीं पे भी करें, डॉक्टर काबिल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सारी साधन सुविधा होनी चाहिए. तो अगर बच्चे की हो चाहे ओल्ड एज में सर्जरी हो, हमारी सर्जरी, हमारा काम सेफ हैंड में है. और जब कोई काम सेफ हैंड में होता है तो उसमें कम से कम कॉम्प्लिकेशन होता है. अगर जैसे हमें परसों लगा इस बच्चे को खांसी है, हमने उसको एक दिन की दवा देके आज सर्जरी की, लेकिन ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है. अगर जैसे ये कोई जज नहीं कर पाए कि खांसी है या कोई भी दिक्कत है, फिर भी सर्जरी कर रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए यस, हमारे बच्चे को यस, इसलिए सेफ हैंड में हमारा होना चाहिए बेसिकली. थैंक यू.